हेलो गाइस, मैं हूं संतोष। आप देख रहे हैं टेक्नोबिट चैनल। दोस्तों, आज मैं एक फिर नया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं एक बजट वायरलेस हेडफोन की, जिसका नाम है रॉकेट 550, जो कि 2000 के अंदर आता है। दोस्तों, आज हम इस वायरलेस हेडफोन का पूरे स्पेसिफिकेशंस, उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी कंफर्टनेस पूरा आज हम इसका चेकआउट करने वाले हैं। दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। और फिर ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये वायरलेस हेडफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मैंने इसका बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें ये अमेजोन की तरफ से इसका बॉक्स मिला था। दोस्तों, इसके अंदर हमारा मेन प्रोडक्ट है बोट रॉकेट 550। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से बॉक्स हमें मिलता है। दोस्तों, सामने बॉक्स पे बोट का ब्रांडिंग लिखा है। दोस्तों, नीचे रॉकेट 550 लिखा है। दोस्तों, लेफ्ट साइड में देखो तो दोस्तों रिदम ऑफ निर्वाणा का यहाँ पे टैगलाइन दिखता है। दोस्तों, फिर बैक साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन पूरे मेंशन किए हैं और यहाँ पे इसका प्राइस भी यहाँ पे मेंशन किया है। और अभी हम इसको बॉक्स को खोल के देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या है। कुछ इसमें इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए दोस्तों, इसके एसेसरीज भी हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक साल का वारंटी कार्ड दिखता है और साथ में कुछ मैनुअल दिए गए हैं, जिसमें इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई है और इसके फंक्शन को किस तरह से यूज करना है, इसके पूरी डिटेल्स इसमें बताए गए हैं। दोस्तों, आप एक बार इसको जरूर पढ़ ले दोस्तों। साथ में कुछ केबल्स मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि ऑक्स केबल, इसे आप जब भी बैटरी इसकी ख़त्म होती है तो आप डायरेक्टली मोबाइल को या लैपटॉप को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। यानी कि आप इसे हेडफोन की तरह भी वायरलेस और विथ वायर दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी केबल दिया है। माइक्रो यूएसबी केबल आप आपके लैपटॉप को या फिर किसी चार्जर को आप कनेक्ट करके इस हेडफोन को चार्ज कर सकते हैं। इसका दोनों का क्वालिटी मुझे प्रीमियम दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि यह हमारा प्रीमियम रेंज का हेडफोन है। दोस्तों, अब हम इसको सबको रखते हैं दोस्तों बाजू में और फिर हमारे मेन यूनिट के बारे में हम अभी जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट दोस्तों, बोट रॉकेट 550। अगर आप इसको सामने से देखते हो तो यहाँ पे बोट का ब्रांडिंग दिया है दोस्तों। ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एक बोट का ब्रांडिंग दिख रहा है दोस्तों लिखे सो। और इसके बीच में जो कुशन दिया है वो बहुत ही स्मूथ कलर का कुशन दिया है दोस्तों। ये जो हमारा हेडफोन है दोस्तों, ये बहुत ही स्मूथ है दोस्तों। इसकी डिज़ाइन इस तरह से की गई है दोस्तों कि ये आपके एयर को पूरी तरह से ये कवर करती है दोस्तों। इसका कुशन भी देखे तो आप बहुत स्मूथ है दोस्तों, और इसको आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो दोस्तों। और इसके अगर फ्रंट में अगर देखते हैं आप लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे बोट का ब्रांडिंग दिखता है दोस्तों। राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ऑन ऑफ के लिए एक बटन दिया है। उसके बाजू में वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए तो एक और एक बटन दिया है दोस्तों। उसके बाजू में एक 3.5 mm का जैक दिया है और एक चार्जिंग करने के लिए माइक्रो यूएसबी का एक यहाँ पे पोर्ट दिया है दोस्तों। और एक इसमें एक माइक्रोफोन का भी एक यहाँ पे दोस्तों प्रोविजन दिया है दोस्तों। तो इस तरह से इसका लुक मुझे बहुत ही प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। इसमें दोस्तों नॉइज कैंसलेशन नहीं दिया है, तो इसमें फिजिकल नॉइज आइसोलेशन दिया है दोस्तों। यानी कि इसका मतलब है दोस्तों, आप अगर इसको आपके ईयर को कवर करते हैं तो आप बाहर का साउंड आपको इसके अंदर कैप्चर नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, इसमें कोई नॉइज कैंसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर नहीं दिया है दोस्तों। इसके स्ट्रिप देखते हैं दोस्तों, दोनों साइड की स्ट्रिप देखिए दोस्तों, ये पूरे इस तरह से स्टील के स्ट्रिप दिए है दोस्तों इन्होंने। इस रेंज के बाकी के हेडफोन में आपको मेटल के स्ट्रिप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादा तो हेडफोन में आपको पूरे प्लास्टिक के ही यहाँ पे स्ट्रिप दिखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप पूरी तरह से फोल्ड नहीं कर सकते दोस्तों। ये हेडफोन बहुत सारे कलर में अवेलेबल है दोस्तों, ब्लैक है, आर्मी ग्रीन है, सिंफनी ब्लैक है, मरूम है, और फिर ये रेड कलर में भी अवेलेबल है दोस्तों। मुझे रेड कलर का थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक ये चॉइस किया है दोस्तों। आपको जो चाहे वो आप कलर यहाँ इसमें परचेस कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारे कलर देखे दोस्तों, बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। बाकी क्या अगर हेडफोन आप देखते हैं तो इस आपको इतने सारे कलर्स की चॉइस आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों, इसके एयरकप का डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। यानी इसके कुशन देखे तो आप बहुत ही स्मूथ है दोस्तों। और इसके आप हेडरेस्ट जो है दोस्तों ऊपर का, उसका भी कुशन बहुत अच्छी तरह से कंपनी दिया है दोस्तों। ये पूरी तरह से ये प्रीमियम लुक देता है दोस्तों। आपको 2000 के नीचे के रेंज के जितने भी हेडफोन है उसमें ये सबसे प्रीमियम है दोस्तों। आज के जो
बीट क्वालिटी है तो बाकी के हेडफोन से बहुत अच्छी है दोस्तों, पूरी तरह से एक प्रीमियम हेडफोन है दोस्तों। ये हो गए दोस्तों बीट क्वालिटी के बाद, अब दोस्तों हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बोले तो दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.0 का वर्जन दिया है दोस्तों, जिससे कि कनेक्टिविटी बहुत फास्ट होगी दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों 50mm के डायनेमिक ड्राइवर दिए है, 50mm के डायनेमिक ड्राइवर आपको इस रेंज के हेडफोन में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाले दोस्तों। बाकी के जो भी हेडफोन इस रेंज में मैंने देखे दोस्तों, उसमें 36 से देखे 40mm तक के ही डायनेमिक ड्राइवर दिए हैं दोस्तों, लेकिन बोट ने इसमें 50mm के ड्राइवर दिया है, यानी इसका साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया होने वाला है दोस्तों। और इसमें 500mAh की बैटरी दिए है, जो कि आपको 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देती है दोस्तों। और इसमें फिजिकल आइसोलेशन दिया है दोस्तों, इसमें नॉइज़ कैंसलेशन तो नहीं दिया है, मैंने तो ये आपको पहले ही बताया। और दोस्तों इसमें लैटेंसी टाइम बहुत कम दिया है, यानी कि अगर आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको तुरंत उसका इफेक्ट आपको नज़र आता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों कोई क्रिएटर है या गेमर है तो आपके लिए ये हेडफोन बहुत अच्छा है, और इसका कॉल क्वालिटी भी बहुत डिसेंट है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम ये हेडफोन को ऑन करके देखते हैं दोस्तों। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, मुझे एकदम क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है दोस्तों। साउंड क्वालिटी बहुत नंबर वन है दोस्तों इसका, क्योंकि इसमें 50mm के डायनेमिक ड्राइवर दिए, यानी इसका साउंड क्वालिटी तो अच्छा होने ही वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखिए तो इस बजट रेंज में बहुत ही प्रीमियम टाइप का हेडफोन बोट की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों अब इस हेडफोन के कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मुझे पॉइंट्स अच्छे लगे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक तो इसके डायनामिक ड्राइवर जो कि 50mm के है, दूसरा इसका लेटेंसी टाइम बहुत कम है दोस्तों, और दूसरा है इसका कनेक्टिविटी। इसका कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.0 है, यानी कि आपको कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है दोस्तों ज्वाइन होने में, एकदम फास्ट ज्वाइन हो रहा है दोस्तों। ये तो कुछ इस तरह से इसका रिव्यू है दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों। और आपको इस रिव्यू के बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए दोस्तों, मैं वहाँ पे आपको उसका जरूर जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, फिर नए वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।